तो फ्रेंड्स ये मेरा डे 2 मेरे पीसी बिल्ड करने का। तो मैं पीसी बिल्ड कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि मैंने विदाउट वीडियो इसलिए किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मुझे मतलब थोड़ी वो हो रही थी। तो मतलब मैंने सोचा कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो वीडियो छोड़ देता हूँ, मतलब आधी वीडियो तो मैंने बना ली थी बट आधी छोड़ दी थी। तो आज आपको अब जो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको केबल्स में मैनेज करके दिखाऊंगा और केबल्स लगा के भी दिखाऊंगा कि कौन सी केबल कहाँ लगानी है। तो फर्स्टली तो बैक पैनल खोल लेता हूँ और मैं केबल सारी निकाल के लगा के दिखाऊंगा आपको। मैंने रात के 9 बजे बिल्ड शुरू किया था और मेरा 1 बजे कंप्लीट हो गया था। अरे भाई बचा, और फ्रेंड्स मेरे भी आपसे क्वेश्चन है, अगर आप इसको इंटेल 10th जन यूज़ करता हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मेरे में मुझे फुल वीडियो कॉल नहीं मिलती जितनी अवेलेबल है, बहुत कम मिलती है 128 MB। तो आप बताइएगा वो रीज़न क्या हो सकता है उसका। कैबिनेट हटा देता हूँ, दिख रहा है ना। तो मैं फर्स्टली तो सारी केबल्स एक एक करके निकालता हूँ, इससे साटा वाले नहीं निकालूंगा क्योंकि उससे मेरी हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है, वो बैक साइड से निकालूंगा वाली में। ओके तो फर्स्टली तो 24 पिन वाली निकालता हूँ। और हाँ ये ऐसे प्रेशर से ही निकलेगी, और USB 3 वाली अब फ्रंट पैनल आयो। फैंस की कहाँ गए, हाँ ये रही। तो ये हमारी CPU फैन केबल है, तो इसको मैं इस वाले स्लॉट में लगाऊंगा। अब इसको एक बार मैच कर लेता हूँ, ये इस साइड से खाली है और इस साइड से ब्रैकेट इसका तो लगा देता हूँ। ये लग गई, अब 8 पिन पावर कनेक्टर लगाता हूँ इसको। आप एक काम करेगा, इसे स्प्लिट करके लगाइए क्योंकि ऐसे मोस्टली नहीं लगती है। लग गई, अब 24 पिन याली है और इसका लॉक राइट साइड को रहना चाहिए याला। इसकी आपको कभी कभी आवाज़ नहीं भी आ सकती है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और एक काम करता हूँ मैं, पहले फ्रंट वाले जो भी वायर्स हैं उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। मैंने सारी वायर्स पीछे डाल दिए हैं, ये यहाँ नीचे तक आ गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक एक कनेक्टर कहाँ कनेक्ट करना है। ऐसे रुक जाएगा तो काम करता, ट्राइपॉड ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं बैक का भी दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये मेरे फैन का कनेक्टर है। अब इसके लिए फर्स्टली तो मुझे मोलेक्स ढूंढना पड़ेगा, मोलेक्स। तो
तो फ्रेंड्स ये हम लोग मोलक्स कनेक्टर इसे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। इसमें आपको थोड़ा प्रेशर लग सकता है, तो उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। और मैंने हार्ड ड्राइव भी लगा दी कल, तो मोस्टली जो मेन मेन कनेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग 24 कनेक्टर 24 पिन कनेक्टर और डाटा कनेक्टर हो गया। ये कौन सा है, ये बैटरी वाला हो गया। तो ये रहा हम लोग USB 3 कनेक्टर, से यहाँ से डाल दूंगा। और फ्रंट पैनल वाले सारे कनेक्टर्स को मैं लेता हूँ। इसके लिए दिवाली में पैसा आ गया। तो फ्रेंड्स ये रहे हम लोगों के सारे फ्रंट पैनल कनेक्टर्स, ये हार्ड डिस्क एलईडी, पावर स्विच, ये पावर एलईडी। तो इनको मैं यहाँ से डालूंगा। चलो ठीक है, कौन सा आ गया, पावर वाला बाहर आ गया। तो इन्हें यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। तो अब 8 पिन वाला ढूंढता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 8 पिन कनेक्टर, इसे थोड़ा पास आगे जा दूँ। इसको मैं डालूंगा यहाँ पर से, यहाँ से मैंने अपने फैन की टेबल पे डाल लिया। अब आप अगर मुझसे पूछे कि इनके फ्रंट की कैसे मैंने आज भी कंट्रोल की, तो ये तो हम लोग का मेन फैन के लिए हो गया, मदरबोर्ड में लगेगा। और ये वाला जो स्प्लिटर है इससे मैंने किया था, बाकी एक मदरबोर्ड के लिए स्प्लिटर आता है। और कहा गया हाँ ये साटा पावर की है, ये फैंस को, फैंस के लेडी को पावर देने के लिए। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं साटा कनेक्टर जो है इसमें ऐसे लग जाएगा। इसका एक ब्लैक वर्जन भी आता है, उसमें मोलेक्स होता है, तो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हार्ड डिस्क की अगर बात कर ले, हार्ड डिस्क वाले कैसे लगाना है, हार्ड डिस्क SSD जो भी हो, तो यहाँ पे आपको एक साटा केबल मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग साटा गएगा केबल, इसे सीधा रख के इसको थोड़ा दबा के ऐसे प्लग इन कर देते हैं और इसमें साटा पावर दे देता हूँ मैं। ये PCI है, मैं ग्राफिक कार्ड को यूज नहीं कर रहा। साटा ये रहा, ये मोलेक्स साटा, साटा हाँ मिल गया साटा। ये साटा केबल है, ये मोस्टली हार्ड ड्राइव में ऐसे लगता है, तो मैं इसे लगा देता हूँ। लग गया ठीक। अब बात कर लेते हैं फ्रंट के फैंस को कहाँ कनेक्ट करना है, मतलब इसका कनेक्टर कहाँ है। तो ये फ्रंट का फैन जो है इसका वायर डाल दीजिए कहीं से जहाँ से इजीली पहुँच जाए।
मैं इधर साइड कर देता हूँ फर्स्टली। तो ये आ गया वो का फ्रंट, नहीं यार इससे आ नहीं पाएगा ये। तो अब काम कर सकते हैं इसको, आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। और अब जो पीछे बचा है उसको बाद में देखेंगे, फर्स्टली जो हम लोग को फ्रंट का काम है वो कर लेते हैं। तो हम लोगों को पहले तो सीपीयू वाली लगानी है, ऐसे लगेगी, पंखा चला लो। अब USB 3, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मेरे में USB 3.2 का पोर्ट है, और इसमें लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। इसका आप ये याद ध्यान रखिएगा, ये जो लॉक है इसका आपका राइट साइड रहेगा। और इसमें आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ सकता है। तो जो पावर स्विच है आपका ये हमेशा ओपन साइड फेस के ऊपर रहेगा, और पावर LEDs प्लस माइनस ये आपको मदरबोर्ड में खुद लिखा होगा। जब आप बिल्ड करो तो एक बार फोटो ले लीजिएगा मदरबोर्ड की, बिना कैबिनेट में रखिए। तो मुझे याद है कनेक्शन की, हाँ हार्ड डिस्क के लिए लगा रखते हैं। लग गए सारे कनेक्शंस। अभी फ्रंट की जो RGB वायर आ रही है यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको कैसे लगाना है, ये जितनी नीचे जा सकते हैं उतनी बाहर रहते हैं। यहाँ पे मेरे में ये DLED है, आपको ना कोई और हो सकता है, इसमें आपको लगा लेनी है। लग गया, ये तो लग गया। अब फ्रंट स्पीकर आ रही है, बोल बोलने के लिए मुझे तो फ्रेंड्स मैंने केबल मैनेजमेंट भी कर दिया। अब उसकी क्लिप पता नहीं शायद रिकॉर्ड ना हुई हो, बट अब मैं दोबारा नहीं करने वाला इन्हें, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो केबल मैनेजमेंट के लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, बहुत सी मिल जाएंगे आपको। और अब आप देखें कि आपके यहाँ राइट साइड से कितना सही व्यू आएगा आपको, मतलब आपकी ट्राइडिंग। ये आप देख सकते हैं अच्छा भी आ रहा है, तो ठीक ठाक, मतलब मैंने केबल मैनेजमेंट कर दिया। तो अब मैं यहाँ जिप टाइस को काट देता हूँ, सीजर्स हैंडी पड़ सकती है आपको।
तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं अच्छी खासी केबल मैनेजमेंट हो गई मेरी। ये साटा केबल जो है ये थोड़ी मतलब रह गई थी यहीं पे, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब अच्छी खासी केबल मैनेजमेंट हो गई मेरी, मेन बात तो यही है। एंड अब अगर आप मुझसे पूछें केबल मैनेजमेंट किस लिए यूज में आ सकती है, तो फर्स्टली तो शो ऑफ के लिए हो ही रहती है, दूसरी अगर आप केबल मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बाई चांस आपको अगर पीछे से कोई वायर लेनी पड़ी तो उसे लेने में दिक्कत होगी आपको। तो फ्रेंड्स उस टाइम कूलर की आरजीबी ठीक से कनेक्टेड नहीं थी, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, तो जैसे कि वो दे सकते हैं। अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, देखिए इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वाली जो वायर आ रही है ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये हाइड नहीं हो पाएगी। सो तो फ्रेंड्स अब मैं बैक पैनल भी लगा देता हूँ इसको, एक मिनट। हाँ ठीक, ये रहा। तो ये आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लगाने में, तो जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है ये आपका यहाँ पे थोड़ा बन जम करे, इसे आपको कुछ नहीं करना, अंदर तक खिसका देना है, और यहाँ पे जितना आप हैंड से कर सकते हो उतना हैंड से करके देख लीजिए। कॉमन मिस्टेक, और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके जो फैंस का कनेक्शन था वो मुझे खुद से मतलब देखना पड़ा था कि कैसे करना है, इसके मैनुअल में कहीं नहीं दिया गया था। और मेरी एक और क्वेरी थी, अगर आप इसको इंटेल 10th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसकी इतनी वीराम क्यों कम आ रही है, 128 MB आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं फिर वैल्यूट तब तक के लिए गुड बाय। और मैं इसे कर तो सकता हूँ सही, बट वो वाली बायोस नहीं है मेरी, तो दिक्कत हो जाती है। और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिएगा।